Government in Haryana has extended the temporary ban on mobile internet and bulk SMS services in 7 districts of the state in the wake of the farmers' Delhi Chalo agitation. Meanwhile, at least 50 farmers were detained by the Gurugram police in Manesar when they tried to march to Delhi to protest the unfair compensation for over 1,800 acres of farmland sold to the state government. The farmers alleged that they were not given the right price for 1,810 acres of land in 5 villages of Manesar and decided to protest at Jantar Mantar in Delhi. Shubh Rana continues to be with us. Shubh, internet restrictions being imposed in certain districts of Haryana? Shubh, can you hear me? Okay, I think we've lost Shubh's connection there. Let me bring in Anil Chaudhary for more on this story. Anil, which districts of Haryana are seeing these restrictions being imposed? देखिए हरियाणा जो सटे हुए जितने भी इलाके हैं हरियाणा में जिस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है, चाहे संभू बॉर्डर की बात करें या तमाम जो बॉर्डर्स हैं वहां पर जिस तरीके से हंगामा देखा जा रहा है, तो इसी को लेकर जो है ये फैसला लिया जा रहा है कि जो बल्क SMS है वो नहीं कर पाएंगे, इंटरनेट की जो सुविधाएं हैं उसको लेकर भी बात की गई है। तो कहीं ना कहीं ये कुछ ही देर बाद में इंप्लीमेंट होता हुआ इसमें नजर आएगा, क्योंकि जिस तरीके से जो सिचुएशन है वो बद से बदतर होती जा रही है, जो किसान है उग्र रूप लेते जा रहे हैं। जी बिल्कुल अनिल, इस वजह से स्थिति को काबू करने के लिए ये प्रबंध जो हैं वो अपनाए जा रहे हैं। मगर दीपक शर्मा का भी इस वक्त रुख कर लेते हैं, हरियाणा से इस वक्त जुड़ गए हमारे संग। दीपक, हरियाणा में क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए हरियाणा में सबसे बड़ी बात करें आज के दिन, क्योंकि यूं तो अभी तक 7 जिलों के में जो है इंटरनेट सेवा जो है वो फिलहाल बंद है। 7 जिले वो हैं जो पंजाब की सीमा से जुड़े हुए हैं, चाहे वो अंबाला की बात करें, कुरुक्षेत्र की बात करें, सिरसा की बात करें, हिसार, फतेहाबाद, जींद, इस इलाकों में जो इंटरनेट सेवा है फिलहाल वो अभी बंद की गई है। जो जो इससे प्रभावित हो सकते हैं उन इलाकों में ये इंटरनेट सेवा अभी भी बंद है, 23 तारीख की रात तक रहेगी। लेकिन फिलहाल आज तक स्थिति की बात करें तो क्योंकि अभी 2 दिन तक दिल्ली मूवमेंट को उन्होंने दिल्ली कूच को अभी रोक लगा रही है, जो कल निर्णय लिया है कि अभी 2 दिनों तक दिल्ली कूच नहीं करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी नजर रहेगी आज रहेगी संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक पर, 11 बजे चंडीगढ़ में किसान जो भवन है वहां पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक है। संयुक्त किसान मोर्चा बैठक करके अपना आगामी निर्णय लेगा, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि लगातार जो किसान संघ किसान मोर्चा से जुड़े जो विभिन्न संगठन है, खासकर 3 ऐसे संगठन है जो साथ में जुड़े हुए हैं, जो इस आंदोलन को चला रहे हैं, और लगातार इनकी जो रूपरेखा बदल रही है उसको लेकर के अब किसान जो आए हुए हैं या फिर जो विरोध प्रदर्शन करने जो लोग आए हुए हैं वो भी कहीं ना कहीं अब वापिस लौटने लगे हैं। तो ऐसे में 2 दिन का जो अभी रोक लगाई गई थी दिल्ली कूच पर, और उसके बाद आगे किस तरीके से करना है, 23 तारीख तक तो दिल्ली कूच पर रोक है, खुद इन्होंने निर्णय लिया है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.